वफाकी से मैं बकार बगा और आप देख रहे हैं ट्वेंटी सेवन न्यूज एच डी आज बात करेंगे मौगिया जारा काजमी केस केवाले से आज उसकी बड़ी अहम समात थी आज अदालत में नूर बीबी को पेश किया जाना था और आई ने पेश करना था या फिर आई ने जवाब जमा करवाना था कि नूर बीबी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और अगर जवाब जमा करवा देता तो मुल्क के आइन और कानून के तहत नूरबीबी को मफरूर डिक्लेयर किया जाना था मगर हुआ कुछ यूँ ड्रामाई तब्दीली हुई और नूर बीबी को अदालत में पेश करने से पहले जज साहब ही अदालत में नहीं आए वो जाती मसरूफियात की वजह से अदालत में नहीं आ सके जिसकी वजह से तारीख जो है आप पंद्रह अक्टूबर की दी गई है पंद्रह अक्टूबर को देखना है कि हालात क्या जाते एक लंबी डेडलाइन दी गई है और नूर बीबी के लिए एक बड़ा मौका है नूर बीबी गा रही है घूम रही या फिर रही है और कह रही है कि मैं नचा फराटे मार के आज तेरे नाल गुड लक थे जबकि दूसरी तरफ अदाकारा भी खुश व है और वो कहती है दाने पे दाना में हाथ नहीं आना ये लोग आँख बचोली खेल रहे हैं अदारों के साथ अदारे अदालतों के साथ अदालतें हमारे साथ इस वक्त बिल्कुल बुखला चुकी है अवाम इस वक्त इस केस पे उकता चुकी है वो देख रहे हैं इतना सिंपल केस है जस्ट आप इसमें फैसला सुनाएं एम एल ओ जान छुड़ाई आप न तो एम एल ओ दे रहे इस केस में जब स्टार्ट दिन से आज तक इस केस को लटकाया जा रहा है और तरह तरह के हिले महले ढूंढे जा रहे हैं इस केस को समझ नहीं आ रही कि इसकी किसकी की एबापें लटकाया जा रहा है क्यों लटकाया जा रहा है जब सारी बातें क्लियर हो चुकी है सारी चीज़ें अदालत के सामने आ गई है तो फिर कोई पॉइंट नहीं बचता था जिसकी बना पे अदालत इस केस को मजीद लटकाती आज फिर जैसे सब नहीं आए पंद्रह दिन की छुट्टी दे दी गई पंद्रह बल्कि एक महीने की छुट्टी दे दी गई और तो ये चाहिए था कि इस तारीख को दो से तीन दिन तक डिले करते और तीन दिन बाद दोबारा से मामला कर लिए जाते मगर ये मामलात हुए नहीं मामलात को रोक दिया गया मामलात को लटका दिया गया और इस हद हाँ तक लटकाया कि आपके सामने है सारी चीज़ें जबकि दूसरी तरफ जो टीमें हैं जो लीगल टीमें हैं जमरान नासर वगैरह और दिगर वो एक तरफ केस ला रहे हैं जबकि दूसरी तरफ जो नूर बीबी की टीमें हैं लीगल टीमें जहिर की टीमें हैं वो इस केस को ड्रैक करने की भरपूर कोशिश कर रही है और वो उसमें किसी हद तक कामयाब हो रहे हैं मगर एक चीज़ अभी तक रहती है और वह चीज़ है एम देखना यह है कि एम का फैसला क्या होता है किस हद तक आता है एम का फैसला और किस तरीके से आता है सताईस तारीख बड़े अहम दिन है एम एल चैलेंज किया हुआ है सिद्ध हाई कोर्ट देखना ही है कि सिधा हाई कोर्ट इस केस को किस तरह हैंडल करती है और एम को कहा लेके जाती है ये केस इस वक्त तकता हाल अभी तक इसकी जो हैपनिंग्स है वो यही लग रही है कि के ये केस और, सारा पहले हाई कोर्ट में शिफ्ट होगा फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट होगा क्योंकि जिस तरह से इसको लोअर कोर्ट्स जिस तरह डिले करेंगे इतना इस तारीख में पहले कभी नहीं हुआ एक केस नॉर्मल केस पानी की तरह साफ केस उसको आप इतना ज़्यादा लंबा खींच रहे कि देखने वाले हैरान रह जाते देखने वाले दंग रह जाते मगर फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही बीबी बगैर किसी वजह के बगैर किसी ऑथेंटिक रीज़न के अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सकी जबकि बीबी को गिरफ्तार करने वाले तरह तरह के हिले मोहने का रहे और आप ज़्ञुर्यूं ज़्ञुर्यूं अब जजे साहबान भी ज़ाती मजबूरी की वजह से छुट्टी पे जा चुके हैं अब हालात बड़े ख़राब हो रहे क्योंकि अब अब उकता चुकी है अब हल एक ही रह गया है अब तशद का रास्ता और तशद का रास्ता अब जितना लेट अख्तियार करे उतना बेहतर है वैद्ली काजमी की स्टेटमेंट यह है कि उन्होंने इस रास्ते को कंट्रोल किया हुआ है और वो कंट्रोल रहे तो बेहतर है वो बेहतर है हमारी सोसाइटी के लिए हमारे माशरे के लिए हमारे मुल्क के लिए और हमारे अपने लिए भी अगर तशद का रास्ता अख्तियार किया गया तो बहुत से लोगों को तकलीफ़ होगी बहुत से लोगों का नुकसान होगा और उस नुकसान की जिम्मेदार अदारे होंगे इंसाफ करने वाले होंगे और इस केस के पीछे छुपे वो किरदार होंगे जिन्होंने इस केस को इस नहज तक पहुँचाया कि लोग अब इस पर इस हद तक वायलेंट हो चुके हैं वायलेंट्स की तरफ आ रहे मगर फिर भी मेरी एक अल्तमास है कि शदत का रास्ता एक आखिरी ऑप्शन रखा जाए क्या उसे काट दिया जाए सुरख बैठ सकते उसे अवेल न किया जाए अगर वो अवेल हो गया तो बहुत मसाइल बढ़ेंगे अपना डेढ़ ज्यादा ख्याल रखिएगा इस केस की मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ अब तक पर वक्त पहुंचती रहें अल्लाह ने के